बात करते हैं टंडोलिया से, जहां डीसी चौक पर कायम केले की मार्केट को फौरी तौर पर ख़त्म करने और बाईपास पर कायम कंप्यूटर कांटे को हटाने के लिए डिप्टी कमिश्नर टंडोलिया वली मोहम्मद बलोच ने मालिक को नोटिस जारी कर दिए, जबकि मजकूरा नोटिस गैर कानूनी तजावजात को हटाने के सिलसिले में जारी किया गया, जिसके बाद केले मार्केट में मौजूद सैकड़ों मजदूरों और मजकूरा नोटिस जारी करने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने कहा, डिप्टी कमिश्नर बासर अफराद के कहने पर मार्केट को ख़त्म करने के लिए जो नोटिस जारी किया है, इसे फौरी तौर पर वापस ले, क्योंकि इस मार्केट से हज़ारों अफराद को रोज़गार जुड़ा है। मस्कूरा जगह प्राइवेट शख्स गुलाम हुसैन की जाती जगह है, जो कि बाईपास से दूर है और कोई भी ट्रैफिक मसला पैदा नहीं होता। मजदूरों ने कहा कि केले मार्केट के सबब यहां के छोटे बड़े तमाम जिम्मेदारों को केले का अच्छा रेट मिल रहा है, जबकि हुकूमत टैक्स कीमत में रोजाना हजारों रुपए अदा करते हैं, जो कि मार्केट कमेटी के अफसर वसूल करते हैं। मुजाहरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत गरीबों का रोजगार बंद करने के लिए सियासी मनसूबाबंदी है। अगर तजावजात का खात्मा करना है तो पूरे शहर की तजावजात की लपेट पेट में है। डिप्टी कमिश्नर हमारे रोजगार खत्म करने के बजाय हमें तहफ्फुज़ फराहम करें।